लगातार मेहनत करते हैं, सिद्धि तक पहुंचने पर कार्य सफल होने तक आपको रुकावट बन जाती, वो सुन लो। पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन लें, गंगाजल से उसे धोएं, केसर और चंदन से उस पर राम लिखें, केसर और चंदन से राम लिखें, 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में उस पत्ता को रखें और प्रतिदिन 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें, एक ही मंदिर पर रखें, एक ही बालाजी के पास रखें। 11वें दिन पत्ता को लेकर 11वें दिन का जो पत्ता होगा उसमें फिर वही गंगा जल से धोएं, प्रत्येक दिन का पत्ता मंदिर में चढ़ाते रहना है। 11वें दिन आपको पत्ता को लेना, उस पर राम लिखना, सीताराम लिखना या राम लिखना या ओम श्री सीतारामाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को लिखना केसर चंदन से। इसके बाद उस पत्ता को मंदिर ले जाकर 11 पाठ पुनः हनुमान चालीसा के करना और उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर 3 बिंदी उस पत्ते में लगाकर और 11 परिक्रमा करके उस पत्ता को, 11वें दिन के पत्ता को, जो 11वें दिन का पत्ता होगा उस पत्ता को अपने पर्स में रख लेना, कभी भी विफल नहीं होगे, असफल नहीं होगे। हाँ, लेकिन वशीकरण या किसी के ऊपर तंत्र या पर किसी के विनाश के लिए वो काम नहीं करेगा, बाकी प्रत्येक कार्य पर वह आपका सौभाग्य बदलेगा।